गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. एंड फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज अमोनिया. सो अमोनिया एज यू नो इज वेरी कॉमनली नोन गैस. और अगर हम इनके इसके प्रिपरेशन मैथड्स की बात करें तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई वेरियस मैथड्स. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी प्रिपेयर्ड by the reaction of any ammonium salt with a strong base. किसी भी ammonium salt, जैसे ammonium chloride, ammonium nitrate, इनको अगर हम react कराएं with a strong base like sodium hydroxide or potassium hydroxide, then the product is sodium chloride, ammonia, and of course water is obtained here. ठीक है, दिस इज वन मैथड ऑफ प्रिपरेशन. इसी पैटर्न को यूज करते हुए इसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ स्लेक लाइम विद अमोनियम क्लोराइड. इन लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ स्लेक लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड, सो दैट द प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, ammonia and water. Clear? Then one more method is by the hydrolysis of metal nitrides. Metal nitrides like sodium nitride or पोटेशियम नाइट्राइड, ऐसे भी जितने एक्टिव मेटल नाइट्राइड्स हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड्स, कैल्शियम नाइट्राइड्स, इनकी हाइड्रोलिसिस अगर आप कराएं देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हियर इज अमोनिया. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस, इट गिव्स यू अमोनिया अलॉन्ग विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. Same reaction can be carried out with aluminium nitride with water, will give you ammonia and aluminium hydroxide. Or you can take the case of lithium nitride with water, the product again is अमोनिया एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अनदर मैथड जो यहाँ पर यूज किया जा सकता है. अच्छा, एक चीज पहले इम्पॉर्टेंट कि जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस में जो अमोनिया हमें मिलती है उसमें अमोनिया के साथ साथ वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होती हैं. और ऐसे केस में अगर आपको ड्राई अमोनिया गैस चाहिए तो इन दैट केस वाटर वेपर्स शुड बी रिमूव. तो वन शुड वेरी केयरफुल जब हम बात करते हैं ड्राइंग ऑफ अमोनिया. किसी भी गैस को डिहाइड्रेट करने के लिए हम गैस को पास करते हैं ओवर एनी ऑफ द डिहाइड्रेटिंग एजेंट. कॉमनली यूज्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट आर सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, या फिर लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम. तो वन शुड वेरी केयरफुल कि जब हम इनके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, चूज करते हैं, तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत केयरफुली चूज करना चाहिए. सो हियर ड्राइंग ऑफ अमोनिया इज डन बाय यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम. सल्फ्यूरिक एसिड हम नहीं यूज कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि आपको पता है अमोनिया इज एन is a basic gas and sulfuric acid is acid. So in that case there will be reaction between ammonia and sulfuric acid, so that the product is ammonium sulfate. Matlab ammonia dehydrate nahi hogi, lekin yahan par there will be acid base reaction. Similarly, this dehydration cannot be done by anhydrous calcium chloride, क्योंकि ऐसे केस में anhydrous
कैल्शियम क्लोराइड जो है वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, नॉट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एज द कॉम्प्लेक्स लाइक CaCl2.8NH3 इज फॉर्म, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते. ऑल्सो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी हम यूज नहीं कर सकते अगेन, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है और आपको पता है एसिडिक ऑक्साइड व्हेन गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स द सॉल्ट H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड. एंड इन दैट केस ये जो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा ये फॉस्फोरिक एसिड आपके अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अगेन विल फॉर्म इट्स सॉल्ट लाइक अमोनिया विद फॉस्फोरिक एसिड विल फॉर्म अमोनियम फॉस्फेट. सो अमोनिया को डिहाइड्रेट करने के लिए, ड्राई करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल बनता है वो बेस्ट पॉसिबल क्या है, दैट इज क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, द बेस्ट चॉइस विच यू कैन यूज फॉर ड्राइंग अमोनिया. बाकी रिहाइड्रेटिंग एजेंट हम क्यों नहीं यूज कर सकते वो आपके पास सारे एक्सप्लेनेशंस आ चुके हैं. सो और अगर हम बात करें कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो कॉमर्शियली अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस नोन एज हेबर्स प्रोसेस. द प्रोसेस इज द डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. तो आपने देखा क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यूजिंग द ली शेतेलिए प्रिंसिपल जो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके थे उसके अकॉर्डिंग द रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर. और ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, फोर वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर गिविंग यू टू वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, देन द प्रोसेस विल बी फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. या तो हम आयरन लेते हैं विद मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर और यू कैन टेक आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड. तो इस तरह के कैटलिस्ट को यूज करके वी कैन प्रिपेयर द गैस अमोनिया एट कॉमर्शियल लेवल एंड द प्रोसेस इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस, राइट. प्रॉपर्टीज अगर आप देखें अमोनिया की, तो प्रॉपर्टीज एज यू नो इट इज कलरलेस, हाईली वाटर सॉल्युबल, हाईली वाटर सॉल्युबल गैस विद पंजेंट स्मेल, विद वेरी टिपिकल पंजेंट स्मेल, बहुत तीखी सी स्मेल होती है अमोनिया गैस की जिसको हम इसकी अमोनिकल स्मेल भी बोलते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ अमोनिया इज नोन एज इट्स अमोनिकल स्मेल एंड ऑफ कोर्स इट इज बेसिक इन नेचर. और बेसिक है इसलिए इट हैज टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एसिड्स. फॉर एग्जांपल अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू फॉर्म द सॉल्ट लाइक अमोनियम क्लोराइड एंड solid state, clear. And because of basic nature when it gets dissolved in water to ye solution mein free hydroxide ions produce karti hai. And because of free hydroxide ion ammonia ke aqueous solution ko hum use kar sakte hain for detection of the specific metal ions.
अब अगर सॉल्यूशन में हमारे पास फेरिक आयंस हैं, तो दे रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयंस टू फॉर्म से द ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड. सिमिलरली इफ देयर आर एल्युमिनियम आयन, दे गेट प्रेसिपिटेटेड एज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एज व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड सो ऑन. तो इस तरह से इन मेटल आयन्स के डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द बेसिक मेटल आयन्स. अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया इज इट्स बेसिक कैरेक्टर. और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बेस है ये कैसे बेस है, इट इज अ लुइस बेस. लुइस बेस क्यों है, दैट इज ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट एक्ट्स एज लुइस बेस, and because of same lone pair of electron it acts as electron pair donor. और metal ions के साथ combine करके एक complex बनाते हैं and it acts as a ligand. तो for example अगर आप इसके Lewis basic character को observe करिए, तो जैसे अभी हमने ये reaction ली थी ammonia with hydrogen chloride gas is showing its basic character. Similarly, because of its basic Lewis basic character, it forms an adduct with boron trifluoride. जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से, जहाँ पे ammonia is acting as electron pair donor and BF3 being an electron deficient compound, ये एक Lewis acid की तरह काम करता है and it acts as electron pair acceptor. तो in that case, ammonia boron trifluoride adduct formation होता है. एंड जैसे मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इट एक्ट्स एज अ लिगेंड. सो अगर आप इनके लिगेंड की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी देखो, तो इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल. फॉर एग्जांपल इट रिएक्ट्स विद सॉलिड सिल्वर क्लोराइड. टैको सोल्यूशन ऑफ अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म डायमीन सिल्वर क्लोराइड आयन. सो इट शोज इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी. अनदर प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन. इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन to form different products under different conditions. For example, ammonia reacts with oxygen at a temperature of 500 Kelvin and 9 bar atmosphere in presence of platinum or rhodium gauze. In that case, it gets oxidized to give you nitric oxide and वॉटर. और अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है विद ब्रोमीन वाटर के साथ, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद अमोनियम ब्रोमाइड. क्लियर. It also reacts with halogens to form various products. Again, depending upon the relative amount of ammonia and halogen, you get different kinds of products. For example, ammonia agar chlorine ke saath react karti hai, when chlorine is present in excess, then the product is nitrogen trichloride with hydrogen chloride. And if it is ammonia which is in excess, then the product is nitrogen with ammonium
क्लोराइड. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सी कि इट इज गिविंग यू डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हैलोजन. अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया इज इट्स रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड. So ammonia gas reacts with carbon dioxide to form ammonium carbamate, and this ammonium carbamate on further heating it gives you urea and water. And as you know, urea is what? Urea is used as a very important fertilizer, right? So in this way with carbon dioxide you can see okay, it is giving you the product urea. Another reaction which we can consider here is reaction with active metals. With active metals like nitrogen, sodium, ammonia reacts with active metal like sodium to form their amides along with liberation of hydrogen gas. For example, sodium reacts with ammonia to give you sodamide, and the product obtained here is sodamide along with hydrogen gases evolved. And one more very important reaction is with Nessler's reagent. So Nessler reagent is K2HgI4, that is known as Nessler's reagent. When it reacts with the ammonia in alkaline medium, अमोनिया एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन जो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है दैट इज दिस इज नोन एज, ये आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है एंड दिस इज नोन एज आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस. Here, and of course in that reaction also satme there is formation of one molecule of water. Another is the use of liquid ammonia as solvent. Liquid ammonia undergoes self ionization, or you can say self dissociation. To form amide ion and ammonium ion. And due to self dissociation, hum isko use karte hai as a solvent for number of important organic compounds, right? So that is all about ammonia. Or यूजेस अगर आप अमोनिया के देखें तो अमोनिया के यूजेस कहाँ कहाँ है, जैसे आपने देखा इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स बनाने में लाइक फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया बनाने में इसको हम यूज करते हैं, इन सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज यूज एज एन इम्पॉर्टेंट लैब रिएजेंट ऑल्सो. एंड लिक्विड एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज यूज फॉर टेस्टिंग द वेरियस मेटल आयंस, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं ऑफ अमोनिया. और अगर हम टेस्ट की बात करें तो अमोनिया की सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट तो इसकी स्मेल से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, एंड बीइंग बेसिक इट टर्न्स मॉइस्ट पेपर, जो रेड लिटमस पेपर है उसको ये ब्लू टर्न करती है, ठीक है? और टर्मरिक पेपर पर इट गिव्स यू अनदर इफेक्ट विच टर्न्स इट टू ब्राउन.
एंड नेस्लर रिएजेंट के साथ आपने देखा इट फॉर्म्स अ ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडाइड ऑफ मेलन्स बेस. HCl के साथ इट प्रोड्यूस अ डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर अमोनिया. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, कुछ और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज नाइट्रिक एसिड. गुड बाय टिल देन.